हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपका आपके स्पेसिफिक पर्सन यानी कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उस पर्सन के साथ आपका कौन सा कनेक्शन है और उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, यानी कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो किस ओर आगे बढ़ रहा है। सो फ्यूचर भी देखेंगे एंड टाइप ऑफ कनेक्शन भी हम आपका देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको अपने पर्सन का यानी जिनके साथ भी आप अपने कनेक्शन के बारे में जानना चाह रहे हो उनके नाम का पहला अक्षर आपको चूज करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर IHKTCBFVMZOQ या X है तो आपको ग्रुप वन या पाइल वन चूज करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर EADSLGJURPYN या W है तो आपको ग्रुप टू या पाइल टू चूज करना है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर IHKTCBFVMZOQ या X है तो देख लेते हैं कि आपका किस तरीके का कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ एंड आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती है, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। सो कीप एन ओपन माइंड। एंड पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वीडियो में भी दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका आपके पर्सन के साथ कौन सा कनेक्शन है। ओके, तो किस तरीके किस टाइप का कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ? डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन ये जो डिवाइन कनेक्शन है ये बहुत सारे कार्मिक स्ट्रिंग्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो इसे पूरी तरीके से आप कार्मिक कनेक्शन नहीं कह सकते हैं कि एकदम से ये पूरी तरीके से कार्मिक कनेक्शन है और इसमें बहुत लेसन्स एंड स्ट्रगल्स हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये कनेक्शन आपका डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन इस डिवाइन कनेक्शन के साथ आप दोनों के बहुत सारे कार्मिक स्ट्रिंग्स जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो क्लोजनेस या फिर जो अपनापन या फिर जो लव है वो सप्रेस हो जाती है दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से। ओके, सो कहीं ना कहीं आप दोनों का डिवाइन लव डेफिनेटली है, ईश्वर ने आप दोनों को कहीं ना कहीं मिलवाया है, फेटेड है कि आप दोनों मिले हो। अगर आप दोनों की शादी भी हुई है तो वो भी कहीं ना कहीं फेटेड थी, जिसकी वजह से आप दोनों की मैरिज हुई है। अगर कोई इशू प्रेजेंट में आ रहे हैं या पास्ट में हुई है तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि कार्मिक स्ट्रिंग्स यहाँ पर अटैच्ड है। अब ये कार्मिक स्ट्रिंग्स क्या है? देखिए, चांसेस हैं कि आप दोनों पास्ट लाइफ लवर भी थे एंड आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रही, या फिर आप दोनों में से किसी ने, हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया नहीं, जिसके वजह से एक बैड कर्मा का इफेक्ट पड़ा। ठीक है, जिसका फ्रूट आपको उस लाइफ टाइम में नहीं मिल पाया बट इस लाइफ टाइम में मिलना है। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि पर्सनली आप और आपके पर्सन इंडिविजुअली हो सकते हैं कि कभी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में उनके कुछ कर्मास खराब थे, किसी न किसी तरीके से किसी को रिजेक्ट करना, किसी को हर्ट करना, किसी को चीट करना या किसी के भावनाओं के साथ खेलना नोइंगली अनोइंगली, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं जिसके वजह से यहाँ पर
कार्मिक स्ट्रिंग्स जो हैं वो क्रिएट हो चुकी है, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आप दोनों पे ही पड़ सकता है, मुझे दिखता है पड़ता भी है आप दोनों के रिश्ते में। सो इट्स अ डिवाइन लव पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत लोगों के लिए। कार्मिक इश्यूज यहाँ पर डेफिनेटली हैं, बट मुझे दिख रहा है कि वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएंगे बाय द टाइम, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ओके, सो डिवाइन कनेक्शन है बट यस थोड़ा सा कर्मा का यहाँ पर इफेक्ट ज़रूर से ज़रूर है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है बेसिकली। ओके, हमारे पास है ट्रैवलिंग, हमारे पास है सॉरो, हमारे पास है एग्जॉशन, हमारे पास है करेज। ओके, एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव प्रोजेक्शन, ओके, एंड रिसेप्टिविटी। ओके, सो देख लेते हैं कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है बेसिकली, किस तरफ ही आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि इस कनेक्शन में आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगा। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होगा, बार बार आपको फील हो सकता है, आपके पर्सन को बहुत बार फील हो सकता है कि इस कनेक्शन में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, इस कनेक्शन में एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही है। ठीक है, इस कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम क्यों झेलें, ऐसा आपको महसूस होगा बहुत बार। बहुत बार आपको फील होगा कि ये डिज़र्विंग रिश्ता नहीं है, डिज़र्विंग लव नहीं है जिसके तलाश में आप हो या आप ड्रीम करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन और ये पर्सन आपको रियलिटी दिखा रहे हैं लाइफ के बारे में और आप भी उनको। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की जो इल्यूजन बनी हुई थी या फिर एक फैंटेसी वर्ल्ड बनी हुई थी लव को लेकर, मैरिजेस को लेकर, वो यहाँ पर टूट रही है। और अगर अभी तक नहीं टूटी है तो फ्यूचर में टूटने के चांसेस हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिरर करते हो, जो गलतियाँ आप करते हो कुछ टाइम बाद जाके वो चीज़ शो करते हैं और वाइस वर्सा होता है। ठीक है, मतलब आप लाइक वो कुछ गलती करते हैं तो फिर वही वाला चीज़ आप भी रिपीट करते हो। सो यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ईजी नहीं है, फ्यूचर में भी बहुत ऑब्स्टेकल्स आने के चांसेस हैं, बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, थोड़े से स्ट्रगल्स बढ़ सकते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस आने के चांसेस भी रहेंगे। ठीक है, और पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन मिलने के चांसेस कम रहेंगे, जैसे कि रोज़ मुलाकात होना, रोज़ बातचीत करना या रोज़ लवी डवी तरीके से यू नो बिताना, ये सारी चीज़ें मिसिंग होती रहेंगी, लेकिन प्यार आपका कांस्टेंट रहेगा। सो ये कनेक्शन बहुत इजी नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप दोनों साथ रहे एक दूसरे के, तो मुझे लग रहा है कि एक वक्त बाद बहुत ही ज़्यादा सक्सेस इस रिश्ते में आपको देखने को नज़र आएगा और जो भी आपके यू नो अनसेटिस्फैक्ट्री एनर्जीज हैं वो ख़त्म होगी और ड्रीम कम ट्रू कनेक्शन ये बन सकता है। लेकिन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आप दोनों को ही, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक दूसरे को, स्पेस देना पड़ेगा इस रिश्ते में जब जब ज़रूरत होगी। उस स्पेस जो मिल रही है उसकी वजह से अगर नेगेटिविटी क्रिएट हुई तो इस कनेक्शन में दरार आने के चांसेस बहुत रहेंगे। सो ये कनेक्शन बहुत ईजी नहीं है, डेफिनेटली ईजी नहीं है। इस कनेक्शन में बहुत इश्यूज़ होंगे जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, आपको लग सकता है कि आपका लाइफ का सबसे गलत डिसीजन है इस कनेक्शन पे आना, आपके पर्सन को कभी लग सकता है। बट एट द एंड अगर आप दोनों सस्टेन कर गए थोड़े से कुछ साल अगर आपने झेल लिया, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों का साथ लाइफ टाइम होने के चांसेस हैं एंड फ्यूचर आप दोनों का डेफिनेटली है। देखिए मुझे यहाँ पर सेपरेशन नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी, मुझे यहाँ पर सेपरेशन नज़र नहीं आ रहा है कि आपका एकदम से ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो गया और एकदम गैप है। मुझे लग रहा है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होने के चांसेस डेफिनेटली रह सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है चीज़ें कभी अलग नहीं होंगी या फिर आप दोनों लाइफ टाइम के लिए डिसाइड नहीं कर लोगे कि हमें अलग होना है और हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे और किसी और को चूज़ कर लेंगे। आप दोनों के माइंड में वो चीज़ नहीं आएगी। हाँ, आप दोनों को ऐसा फील होगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मुझे नहीं समझता, नहीं समझती, मेरे लिए ये नहीं करता, वो नहीं करती, बट उससे ज़्यादा आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको किसी और के पास जाना है, उनको भी फील नहीं होगा कि
उनको किसी और के पास जाना है. सो मुझे इस कनेक्शन में नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में भी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली रहने के चांसेस हैं. ऐसा नहीं है कि एकदम बस प्यार ही प्यार और इन्जॉयमेंट एंड हैप्पीनेस रहेगा. ठीक है, थोड़े से ज़्यादा स्ट्रगल्स रहने के चांसेस हैं, बट मुझे लगता है कि वो रिजॉल्व होते रहेंगे, क्योंकि इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से झगड़ा भी करो या फिर एक दूसरे को देखने का भी मन ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी ये थॉट आप दोनों के दिमाग में नहीं आएगा कि हमें एक दूसरे को छोड़कर किसी और के पास जाना चाहिए जहाँ हमें प्यार वगैरह मिले या जहाँ हम शांति से रह सकें. सो ये एक दूसरे पर गिव अप ना करने वाले एनर्जी मुझे दिख रहा है फ्यूचर में बहुत कंटिन्यू होगी, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर गिव अप नहीं करोगे नो मैटर वॉट. आप दोनों लड़ोगे झगड़ोगे, और जितने बार लड़ोगे झगड़ोगे या दिक्कतें आएंगी आपके कनेक्शन में, आप दोनों उस चीज़ से सीखोगे, एक दूसरे को और भी ज़्यादा समझोगे. तो बाय द टाइम बॉन्ड आपका डीप होगा एंड कनेक्शन भी आपका बेहतर होगा. लेकिन हाँ, थोड़े से सफरिंग्स रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में उन दोनों सफरिंग्स को आप दोनों बहुत इजीली कैरी आउट कर लोगे एंड अचीव करोगे इस रिश्ते को, प्रूफ करोगे कि ये रिश्ता जेन्युइन है और आप दोनों ने रियल लव किया एक दूसरे से एंड सक्सेसफुली एक दूसरे के साथ रहोगे. ओके, सो फ्यूचर अच्छा है डेफिनेटली. थोड़ा सा इशू है, बट येस डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो जो झेलने का जो रिजल्ट है, जो फ्रूट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा. ठीक है, सो क्योंकि आफ्टर ऑल एक डिवाइन लव है, तो इसकी कनेक्टिविटी सोल लेवल पर है आपकी. ठीक है, भले ही आपका दिमाग कुछ कह ले कि नहीं ये सही नहीं है ये वो, बट आपका जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी दे बोथ आर कनेक्टेड. ठीक है, आपके और आपके पर्सन के. सो अगर आपका दिमाग भी चाहेगा कि आप यू नो छोड़ो या चले जाओ, आपका दिल नहीं मानेगा उस चीज़ में. दिल क्यों नहीं मानेगा, ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली अटैच्ड हो चुके हो या फिजिकली अटैच्ड हो इसके वजह से, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि सोल कनेक्टिविटी यहाँ पर इनिशियल टाइम से ही है, जिसकी वजह से नो मैटर कहीं भी घूमो जाओ फिरो घूम फिर कर आप दोनों एक दूसरे के पास आते हो. सो ये कहीं ना कहीं रीज़न दिख रहा है, बट या फ्यूचर आपका सही हो जाएगा अगर कुछ इश्यूज चल भी रहे हैं तो. सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए. अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पायल नंबर वन. हेलो पायल नंबर टू, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ई ए डी एस एल जी जे यू आर पी वाई एन या डब्ल्यू है, तो देख लेते हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ किस टाइप का कनेक्शन है एंड आप दोनों का फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है. सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए आप सब देख सकते हो क्योंकि एक जनरल रीडिंग है. तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं, तो कीप एन ओपन माइंड. पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड आईडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो में भी आपको दिख जाएगा. सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए. ओके, सो लेट्स सी. हमारे पास है टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, the moon card. okay got it. so चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले देखेंगे कि आपका आपके पर्सन के साथ किस टाइप का कनेक्शन है. 40% के लिए आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो. एंड ट्विन फ्लेम का मतलब अगर मैं बहुत इजी शब्दों में समझाऊँ, तो आप दोनों के जो मोरल वैल्यूज है, जो थॉट प्रोसेस है, लगभग सेम होंगे. ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी आती है. फेमिनिन का बात करने का तरीका, चलने का तरीका, रहने का तरीका, फील करने का तरीका अलग होता है, मैस्कुलिन का अलग होता है. बट व्हेन इट कम्स टू पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है, मोरल वैल्यूज, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. तो 40% के लिए डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो. एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि अनक्लियरिटी है
कनेक्शन में, या फिर आप दोनों को समझ नहीं आता है कि आप दोनों कौन से रिश्ते में हो। और मुझे लगता है कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो आप भी हो सकता है, आपकी पर्सनल उसको ज़्यादा टेंशन होती है कि उन्हें जानना है कि मेरा कौन सा रिश्ता है, मेरा किस तरीके का रिश्ता है। तो जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत एक्साइटेड रहती है, ज़्यादा कनेक्शन पे फोकस करने के बजाय ये दिमाग में चलता रहता है कि हम दोनों का कनेक्शन आखिर है कौन सा। ठीक है, तो ये सारे थॉट अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो तो ज़रूर निकाल दीजिए, उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट ओके, बिकॉज कनेक्शन में इन्वेस्ट करना, कनेक्शन का अच्छा बनाए रखना यही मैटर करता है, नो मैटर आपका कनेक्शन किसी भी तरीके का हो, किसी भी टाइप का हो। 60% के लिए ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, एक ऐसा कनेक्शन है जिसको आपने कहीं ना कहीं दिल दिल से चाहा है, मैनिफेस्ट किया है, एंड ये आपका एक रिवॉर्ड है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो 60% के लिए डेफिनेटली ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। इस पर्सन के साथ आपकी फ्यूचर बनने के, शादी करने के, घर बसाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंशियली ग्रो करने के, साथ में फेमस होने के ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, एंड लव अट्रैक्शन पैशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। सो 60% के लिए डेफिनेटली इट्स अ सोलमेट कनेक्शन जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे का घर हो, एक दूसरे की शांति हो, एक दूसरे का सुकून हो, एक दूसरे का प्यार हो। ओके, एंड वो कहते हैं ना पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के वजह से मिलना कोई पार्टनर, तो वैसी वाली वाइब मुझे आपकी भी नज़र आ रही है इस पर्सन के साथ, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। बट हाँ, तो 40% ट्विन फ्लेम्स, 60% सोलमेट्स। ओके, सो चलिए अब देख लेते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। हमारे पास है मोरालिटी, वी हैव कंडीशनिंग, वी हैव ट्रैवलिंग, वी हैव मैच्योरिटी। ओके कूल, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव प्रोजेक्शन एंड रिसेप्टिविटी, अगेन ये पाइल वन में भी आया था। ओके सो लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि आप दोनों का जो फ्यूचर है, जितना टाइम आप दोनों का साथ में, आप दोनों बिताओगे, साथ में रहोगे, बात करोगे, आप दोनों उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग एज अ कपल बनते जाओगे इन द फ्यूचर। इन द फ्यूचर मुझे लग रहा है पहले से ज़्यादा, मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि पहले हम दोनों का सब अच्छा था लेकिन समय के साथ साथ सब फेड हो रहा है, या अब कुछ पैशन नहीं बचा, प्यार नहीं बचा, सब चेंज हो गया। आपको ऐसा नज़र आएगा कि पहले जितना हम दोनों की फीलिंग्स या हम दोनों की सिचुएशंस थे उससे ग्रोथ ही होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आप दोनों के साथ हो रही है, आप दोनों का बॉन्ड और स्ट्रांग होना, आप दोनों का प्यार और ज़्यादा बढ़ना, आप दोनों का एक दूसरे को टाइम और भी ज़्यादा देना, ये सारी चीज़ें बढ़ती रहेंगी इन द फ्यूचर। सो जैसे लोगों का मैक्सिमम होता है, यू नो, कंप्लेन रहती है कि पहले सब अच्छा था रिश्ते में लेकिन अब सब खराब हो गया, या पहले की तरह कुछ भी स्पार्क नहीं रहा, लेकिन आपका ऐसा नहीं होगा। आपका समय के साथ मुझे आपका रिश्ता और भी स्ट्रांग होता हुआ, ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, एक फाउंडेशन स्ट्रांग बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के रिश्ते का। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी अगर आप दोनों को डाउट भी है एक दूसरे पर, या यू नो क्लियर नहीं हो, लेकिन समय में ऐसे ऐसे इवेंट्स, ऐसे ऐसे सिचुएशंस होंगे जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत क्लियर हो जाओगे, बहुत श्योर हो जाओगे, और बहुत कमिटेड रहोगे, लॉयल रहोगे बहुत ज़्यादा। सो फ्यूचर में मुझे आप दोनों के बीच में कमिटमेंट, लॉयल्टी, ठीक है, और ग्रोथ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप दोनों फ्यूचर में कुछ वर्क भी करेंगे जिससे आप दोनों को रिकॉग्निशन भी मिलेगा, और स्टकनेस से निकल के भी आप दोनों आओगे। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों के बहुत अच्छे चांसेस हैं शादी होने के, या फिर साथ में रहने के, साथ में शिफ्ट करने के कहीं, या साथ में कुछ बिजनेस वगैरह या स्टार्टअप वगैरह खोलने में बहुत ज़्यादा हायर चांसेस रहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों प्रेजेंट में ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आप भी जीना नहीं चाहते हो, रहना नहीं चाहते हो, और आपके पर्सन भी। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट ऑफ लिविंग में आप दोनों कहीं ना कहीं अभी जूझ रहे हो, जिसे आप दोनों कंटिन्यू नहीं करना चाहते। सो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों निकलोगे उस प्रॉब्लम से, और साथ में ही निकलोगे। ठीक है, और अगर आप दोनों के बीच में भी कोई एग्जिस्टिंग इशू है तो उसमें से भी आप दोनों साथ में निकलोगे। सो अगर अभी ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन है, सो डोंट वरी, आप दोनों की रियूनियन होगी, आप दोनों साथ में ही आगे बढ़ने वाले हो लाइफ में। ये एक टेम्पररी फेज है अगर आप सेपरेशन अभी झेल रहे हो तो। ठीक है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एंड वो पोटेंशियल आपको इन द फ्यूचर एक दूसरे के अंदर और इस रिश्ते में ज़रूर से ज़रूर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन के, एंड बहुत ज़्यादा हायर विजडम वाले पर्सन हो, और आप दोनों
दोनों की जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड मैजिकल बॉन्ड है, ठीक है। सो आप दोनों डेफिनेटली कुछ क्रिएट करोगे फ्यूचर में, एंड आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा फ्लो बना रहेगा, आप दोनों बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, आप दोनों अर्न करोगे साथ में, आप दोनों साथ में रहोगे, आप दोनों साथ में एक एम्पायर बिल्ड करोगे, बेसिकली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है बहुत कुछ आप दोनों साथ में मिलकर करने वाले हो, एक दूसरे के आप लोग स्ट्रेंथ बनने वाले हो, मतलब आपके बिना वो एम्प्टी फील करेंगे, उनके बिना आप एम्प्टी फील करोगे, ऐसा आप दोनों का प्यार इन द फ्यूचर होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप टाइम दोगे तो धीरे 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 आपको नज़र आएगा कि ये कनेक्शन डिग्रेड नहीं हो रहा, ये कनेक्शन डूब नहीं रहा, बल्कि इस कनेक्शन में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें इंक्लूड हो रही है और कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बल्कि और भी ज़्यादा स्मूथ होता जा रहा है हम दोनों का रिश्ता, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी एंड लव। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एंड हाँ थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा, अगर प्रेजेंट में कोई भी इशू है तो वो टेम्पररी है, ठीक है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो चुका है या अगर सेपरेट हो तो लाइफ टाइम का है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, यूनियन भी होगा, एंड मुझे दिख रहा है कि बहुत मैच्योरिटी आपके कनेक्शन में बाय द टाइम आएगी। सो फ्यूचर में मुझे लग रहा है ना कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे, आपका रिश्ता भी वैसे ही छोटे से बहुत बड़ा बड़ा धीरे धीरे होता रहेगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इस रिश्ते में होगा और हर एक फैक्टर्स में ये काम करेगा, हर एक चीज़ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत अबंडेंट फील करोगे फ्यूचर में, एक दूसरे को पाकर, एक दूसरे के साथ रहकर, और आपको ऐसा फील होगा कि लाइक वी आर मेड फॉर ईच अदर, और हम जैसा चाहते थे हम दोनों की सारी चीज़ें मैचिंग भी हुई और हमने सब साथ में यू नो क्रिएट भी किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हो साथ में, एंड बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हो फ्यूचर में, और आप दोनों की शादी होने के चांसेस या लाइफ टाइम साथ रहने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहे हैं। सो ये आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं अगर आप अनमैरिड हो, और ये आपके क्रश हो या लवर हो या एक्स हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ चांसेस मैक्सिमम लोगों के लिए कि अगर आप शादी वगैरह करना चाहते हो तो इसी पर्सन के साथ आपकी मैरिज वगैरह फ्यूचर में होने के चांसेस बहुत हैं, और ड्रीम होम आपका जो सपना है या जैसा ड्रीम है वो ज़रूर इस पर्सन के साथ आपका पूरा होगा। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, एंड मुझे लग रहा है नो मैटर कुछ भी हो आप दोनों का यू नो एज सच इशूज़ भी नहीं आएंगे, मेजर इश्यूज़ जिसे हम कहते हैं लाइक आप दोनों के बीच में तो नहीं आएंगे, हो सकते हैं आपके लाइफ में अलग से कोई और प्रॉब्लम आए या उनके लाइफ में, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर एक इंसान के लाइफ में ही आता है, तो लेकिन आप दोनों के कनेक्शन के बीच में कोई मेजर इशू कभी नहीं होगा। हाँ हो सकता है कि आप दोनों के इंडिविजुअल तरीके से कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों का इफेक्ट इस रिश्ते में पड़ रहा हो, लेकिन मेजर तरीके से इस रिश्ते में कभी कोई डाउट, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से, और ना ऑटोमेटिकली। सो डेफिनेटली फ्यूचर आप दोनों का बहुत ब्राइट है साथ में। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टू